हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर मैं अरुण पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत बेहद खुशी महसूस हो रही है क्योंकि आज उस परिणाम को जानने का समय है जो हम लोगों ने इतने दिनों से मेहनत किया। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जीतोड़ मेहनत रंग लाई है और अधिकांश पढ़ाए गए नोट्स के प्रश्न हैं। जिसने अपने स्नायु तंत्रों पर काबू रखा, जिसने कम गलतियां की उसकी सफलता सुनिश्चित होगी, है ना। उसने बढ़िया से किया, ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। आ जाइए सारे लोग, मजा आ गया क्यों से गुप्ता? आप तो हमारी सीनियर स्टूडेंट है, कैसा लगा पेपर? हमारे पढ़ाए गए नोट से कैसा लग रहा था? कितना आया? गुड इवनिंग, बिल्कुल बताइए जल्दी से। सगुप्ता जी कमेंट प्लीज। बताइए जल्दी कमेंट्स। सब आया, वेरी थैंकफुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जब आप सीनियर स्टूडेंट जो पहले से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आशुष शुक्ला जी भी थी हमारे पास, हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कहा। चलिए, बबीता पाल जी बहुत 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 धन्यवाद। पूनम जी, वाह क्या बात है, बहुत ज्यादा आया था। स्मिता वर्मा जी भी बता रही हैं, तो बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि पढ़ाए गए प्रश्न आए। मैं तो सदैव कहता था कि 10-12 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, 10 से 5 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, सभी पढ़ाए गए मेरे नोट से आएंगे। बस सोल्यूशन लेके आया हूं यार, सोल्यूशन लेके आया हूं भाई, पेपर क्यों फिर से होगा? अरे मैं सोल्यूशन लेके आया हूं भाई, 100% नहीं कह सकता, 2-4 डाउट्स हैं, बाकी मैं 99% सोल्यूशन लेके आया हूं आपके लिए। बस आप डटे रहिए। एग्जाम क्यों कैंसिल होगा? अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई बेटा, टोटली पढ़ाया हुआ था। अरे वाओ, क्या रेखा आर्या जी, क्या बात है भाई। एक शिक्षक के लिए इससे बड़े प्राउड की बात क्या हो सकती है, गर्व की बात क्या हो सकती है कि पढ़ाई गई चीजें ही आई। अब हमारे बहादुर बच्चों ने कितना किया है, क्या किया है, अब उसका जांचने का समय है। अब हाँ, ध्यान से सुनिए, जो मैं यहां सेट लगाया हूं बेटा, ये ए है, ए सेट, लेकिन क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा, जिसका कोई भी सेट होगा वो पकड़ लेगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हमारे बच्चे वाह क्या बात है। एक चीज तो जान लो यार, वाह आदर्श ठाकुर, आदर्श अच्छा पेपर खुला हुआ आया था, तो वो छोड़ दीजिए, जैसा है आप करिए। थैंक यू बबीता पाल जी, थैंक यू बबीता पाल जी, आप जैसे कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, आप जैसे कमेंट। बस करा रहा हूं बेटा, धैर्य रखिए, 2 मिनट, अरे 2 सेकेंड यार, 2 मिनट नहीं, 2 सेकेंड। क्या बात, बस बेटा 2 सेकेंड और। अच्छा, मेरी वॉइस ही कानों में गूंज रही थी, क्या बात है।
सगुप्ता पेपर इजी नहीं था बेटा, सगुप्ता जी पेपर इजी नहीं था, आपकी तैयारी बढ़िया है। मैं तो पेपर पिछला भी देखा हूं, सब देखा हूं ना बेटा, तो पेपर इजी नहीं था बेटा, पेपर इजी नहीं था। अगर बेटा पेपर आउट हो गया है तो भी आप डरिए, पढ़ने वाले किस बात के लिए डरेंगे यार, पढ़ने वाले क्यों डरेंगे, प्रशासन रोए। अगर पेपर आउट हो गया तो दोबारा कराने पड़ेगा, प्रशासन रोए। आइए सॉल्व कराते हैं, देखिए बेटा, आइए आइए, बस बस डट रहा, डट जाओ, आ गया मैं जंग में। चलो देख बेटा, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना 1864 एडी में हुई, आप सभी सही कर लिए होंगे 1864। आइए, आयल कलर में बाइंडर की तरह, दूसरा प्रश्न है बेटा, आयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है लिंसिड ऑयल, किसका प्रयोग किया जाता है, लिंसिड ऑयल का, लिंसिड ऑयल मिलाते जाइए। चलिए चलिए फटाफट, हाँ यार थोड़ा सा इतना उम्मीद तो करता हूं बेटा कि जितने लोग देख रहे हैं उसको लाइक तो कर दो यार, है ना, लाइक कर दो भैया, इतनी मेहनत यार दोनों के लिए किया तो लाइक और शेयर कर दो मेरे भाई, सारे लोग लाइक शेयर, जी जी हो जाएगा बेटा, धैर्य रखिए धैर्य रखिए धैर्य रखिए, लाइक शेयर बढ़ा दो, बस लाइक शेयर कम कर रहे हो आप लोग। चलो नहीं फेविकोल बिल्कुल नहीं होगा, मैं जो करा रहा हूं बस वही वही करिए, फेविकोल कहां मिलाओगे यार। चलिए चलिए आगे बढ़िए, बिल्कुल फेविकोल के चक्कर में ना जाइए। बाहाउस, बाहाउस स्कूल जर्मनी, बाहाउस स्कूल जर्मनी करते जाइए, बाहाउस स्कूल स्थित था जर्मनी में। किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है, सीधा पढ़ाया हुआ मेरे नोट से है बेटा, मदुरई, मदुरई कहां दिख रहा है ना, मदुरई। आगे देखिए बेटा, चलिए डाउट्स, घबराइए नहीं, जितना मैं करा रहा हूं पहले उसको करिए, डाउट पर डिस्कशन बाद में होगा। देख बेटा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है, तो इसमें आपका अनुपम सूद होगा, क्या होगा, अनुपम सूद, सारे लोग अनुपम सूद होगा। जी बेटा बिल्कुल आसान नहीं था पेपर, आसान नहीं था, मैं तो यही कहूंगा। चलिए प्रिंट मेकिंग अनुपम सूद हो गए। आइए बेटा देखिए, महात्मा गांधी संस्थान, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस, देखिए ये इसके थोड़ा सा आपको, देखिए महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस इसका सटीक आंसर नहीं प्राप्त हो पा रहा है, इसको आप डाउट रखिए, छोड़ दीजिए इसको, आगे देखिए है ना, सटीक आंसर इसका नहीं मिल पा रहा बेटा, परेशान ना होइए। कुछ प्रश्न है चार पांच जिसके सटीक आंसर नहीं है, डाउट आंसर उसको छोड़ दीजिए, बाद में हम बात करेंगे। चलिए बाकी ये देखो, ओलियोग्राफिक कौन था, राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा ओलियोग्राफिक। नेक्स्ट, क्षितिज मजूमदार की तकनीक कौन सी थी, क्षितिज मजूमदार आपके वॉश पेंटर, बंगाल स्कूल से रिलेटेड है, वॉश पेंटर हैं। आगे बढ़ जाइए, देखिए आगे बेटा, ये देखिए अस्ट विनफील्ड हैवेल, ये यूरोप के पुनर्जागरण कालीन कलाकार हैं, यूरोप के पुनर्जागरण कालीन कलाकार हैं। आगे देखते जाइए बेटा, पक्षियों का चितेरा किसे कहते हैं, तो पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार, पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार की बात करो तो देवकी नंदन शर्मा को माना जाता है पक्षी विशेषज्ञ, स्पष्ट है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए कमेंट्स आप लोगों के नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, बस आप आंसर करिए, पैलेट का प्रयोग, पैलेट नाइफ, अरे भाई ये पैलेट कहां प्रयोग, चित्रकला में फैलाया जाता था पेंटिंग के लिए,
और इंग्लिश से क्लियर हो जाएगा कि पेंटिंग के लिए पैलेट का प्रयोग होता था। आगे देखिए बेटा और आगे बढ़ते जाइए। निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम ये 1948 में ये के एस कुलकर्णी द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? के एस कुलकर्णी द्वारा। ठीक बेटा, के एस कुलकर्णी 1928। कांथा टेक्स्ट देखो, बड़ा विवादित प्रश्न, सबसे बड़ा विवादित प्रश्न, ध्यान दे सारे बच्चे, बहुत विवादित प्रश्न है बेटा कांथा टेक्सटाइल। ये मूल रूप से बांग्लादेश में प्रयोग हुआ था। और देखिए इसका बंगाल में भी प्रचलित है, बिहार में भी, लेकिन सबसे प्राचीन सिस्टम उड़ीसा में है। तो यह प्रश्न विवादित है, आवेग पर छोड़ दीजिए। बंगाल भी ऑप्शन है और उड़ीसा भी ऑप्शन है। उड़ीसा बहुत बेहतर स्थिति में है। आपको मैं बताना चाहता हूं बेटा, त्रिपुरा, देखिए उड़ीसा, त्रिपुरा एवं बंगाल, तो ये अब आयोग पर जाने दीजिए। प्राचीनता के दृष्टिकोण से लिया जाए तो यह उड़ीसा में है, प्राचीनता के दृष्टिकोण से लिया जाए तो उड़ीसा होगा। बिहार नहीं, बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बंगाल तीनों जगह, त्रिपुरा में भी यह प्रचलन में था, इसलिए अब आयोग की। अरे रेखार्या जी, आप इस तरीके से और कैसे हो सकती है, है ना? बंगाल, उड़ीसा और त्रिपुरा तीनों में है, है ना? उड़ीसा में प्राचीन काल से था, तो अगर इनमें चुनना हो प्राचीनता तो उड़ीसा में है और बाकी तो हर जगह है, मतलब तीनों जगह है। तो इसलिए ये विवादित प्रश्न होगा, हो सकता है कि क्वेश्चंस इसे हटाना पड़े। जैसे बहुत बार इस बार के कला के प्रश्नों में कई ऐसी समस्याएं आई हैं, आपको मैं दिखाता चलूंगा। चलिए आगे बढ़िए, देखिए आगे देखिए बेटा। कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध चित्रकार, पढ़ाया हुआ सीधा सीधा प्रश्न है, मौलाराम आपको हो जाएगा। आगे देखते जाइए बेटा, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्र मौलाराम। आगे देखिए मोहन जोदड़ो की नर्तकी की जो प्रतिमा है वो कहाँ है बेटा? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। आगे देखते जाइए, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में अमृता शेरगिल। कौन है इसमें? अमृता शेरगिल। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए। न्यूटन, देखिए ये भी प्रश्न आपका विवादित हो जाएगा, है ना? आपको मैं बताना चाहता हूं बेटा, ये जो न्यूटन ने सात रंगों का खोज किया था, ये बेटा देखिए एक सेकेंड, ये 1670 से 72 के बीच में, तो अब निकटतम आंसर इसका सी लगाया है, है ना? बाकी देखते रहिए क्या कैसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, अब आयोग पर छोड़िए, लेकिन निकटतम आंसर ये होगा। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत में लघु चित्रों का जनक पाल शैली को माना जाता है, यहीं से पोथी चित्रण की शुरुआत होती है। पाल शैली बेटा, आगे देखते जाओ, चलो देखो ध्यान से। कला के हस्ताक्षर, है ना, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? ये ज्योतिष से रिलेटेड है बेटा, है ना? तो ये ज्योतिषी जोशी, ये इनकी पुस्तक है, ज्योतिष आर्ट से रिलेटेड है बेटा। आगे देखते जाओ, दादावाद का जनक, ये भी डाउट प्रश्न है, स्पष्ट रूप से आंसर इसका नहीं मिला है, तो इसे आप लोग क्या करिए, छोड़ दीजिए, आगे इसको देखा जाएगा, ये डाउट निकटतम आंसर इसका नहीं है। चलिए अब देखिए, ये देखिए बेटा, हाशिया बनाकर चित्रण, ये देखिए बड़ा ही बेहतर प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। हाशिया मतलब क्या, तो किनारे, चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है, किस शैली का प्रभाव है हाशिया पेंटिंग? तो इसको जो बेहतर आंसर होगा फारसी शैली होगा। कुछ बच्चे राजपूत शैली की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन बेहतर आंसर फारस से। हाशिया चित्रण की शुरुआत ईरानी शैली से मानी जाती है, है ना? हमारे राजपूत में भी मिलती है ये, लेकिन इसे हम मानेंगे ज्यादा बेहतर आंसर। आगे देखिए बेटा, देखिए वृक्ष बनाने वाले
दृश्य बनाने के लिए मशहूर कलाकार, ये भैया बैल बुल बुल ये पूरा का पूरा इसी के लिए जाने जाता है, सुनील दास, सुनील दास ब्रिश पेंटर के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? ब्रिश पेंटर के लिए। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, आगे देखिए अगला प्रश्न। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रकार विशेषज्ञ, चित्रण का विशेषज्ञ कौन है? उस्ताद इफ्तिखार, उस्ताद मंसूर, नासिर या बहराम? आप अच्छी तरीके जानते हैं कौन है ये, उस्ताद मंसूर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, चलते रहिए बेटा, उम्मीद है कि आपका बेहतर जा रहा होगा, है ना। तो पाल शैली के अंतर्गत देखते जाइए, पाल शैली के अंतर्गत कौन चित्रित हुआ ग्रंथ? तो ये अष्ट प्रज्ञा पारमिता है। कौन है? अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता, ठीक, ये है। आगे देखिए बेटा, चौरा पंचासिका सीधे पढ़ाया था राजस्थानी में, ये बिल्हड़ की रचना है। किसकी है? बिल्हड़ की। आगे देखते जाओ भाई, कहा था बेटा हमारे पढ़ाए गए नोट से मिलेंगे, और इस बात की बेहद खुशी का आपने स्वयं इस बात को प्रूफ कर दिया कि सर बिल्कुल। तो मूर्तियों, गुप्त काल में मूर्तियां यमुना नदी के वाहन के रूप में, ये कूर्मवाहिनी यमुना है ना, और मकर वाहिनी गंगा क्या होती है? मकर पूछता तो गंगा रहता, कूर्मवाहिनी यमुना। आगे देखिए बेटा, देखिए सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक क्या बेटा, ये भी आपके डाउट स्टडी में है, ये भी डाउट स्टडी में रहेगा प्रश्न। चलिए आगे देखिए, स्पष्ट आंसर नहीं मिल पा रहा, दो बवाल इससे बातें दिख रही हैं। आइए बेटा ये देखिए जरा सा, केएस कुलकर्णी, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, तो केएस कुलकर्णी का जन्म बेलगाम में हुआ था, और बाद में किस स्कूल में पढ़े आकर के? ये जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जेजे स्कूल ऑफ मुंबई से। आगे बढ़ जाए बेटा, देखिए अपभ्रंश शैली, देखते जाइए अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं? तो आपको ज्यादातर गीत गोविंद मिलेगा, है ना, इसमें दिए गए ऑप्शन के अनुसार है। देखिए अपभ्रंश अगर जैन वाली शैली से पूछते तो उधर माने भद्रबाहु से रिलेटेड हो जाता, लेकिन यहां पर क्योंकि दिए गए ऑप्शन में छापना है तो गीत गोविंद हो गया, गीत गोविंद। आगे देखिए, देखिए बेटा ये ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला कौन सी है? ययाति। कौन सी है इनकी? ययाति चित्र श्रृंखला ए रामचंद्रन जी की है, आपको पता ही है। तंजौर शैली के चित्र आप जानते ही हैं, चोल हैं, तंजौर शैली का क्या है? चोल हैं, तंजौर कावेरी नदी के किनारे। आगे देखते जाओ बेटा, मधुबनी चित्रों के रंग किस प्रकार प्रयोग होता है? प्राकृतिक रंग प्रयोग होते हैं भैया, ज्यादातर क्या है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। चलो चलो भैया आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखते जाओ समकालीन भारतीय चित्रकला, देख जाओ ये, देखो समकालीन भारतीय चित्रकला, हुसैन के बहाने, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक भैया अशोक भौमिक जी हैं, ये आधुनिक उभरते कलाकारों की श्रेणी में माने जाते थे, और ये अशोक भौमिक जी की किताब है समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने, है ना। ये कुछ नए प्रश्न हैं, है ना, जो बनाए गए, बढ़िया। आगे देखिए बाकी, ये तो ये देखिए, ये कौन है? ली कार्बुशियर, चंडीगढ़ से रिलेटेड है, एक वास्तुकार है, डिजाइनर है, है ना, एक वास्तुकार है, ठीक। आगे देखिए, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक, बेटा इसका भी स्पष्ट रूप से आंसर संभवतः नहीं मिल पाया जी, कुछ किताबें जैनुल आबदीन कह रही है, माने
इसका माने विवादित ऑप्शन है, दिए गए ऑप्शन में है ही नहीं है। जैनुल आबदीन बताया जा रहा है, जैनुल आबेदीन, लेकिन ऑप्शन में इसका अभाव है, ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसको डाउट की श्रेणी में रखना पड़ रहा है। ठीक है, चल आगे देख लीजिए बेटा, आगे देखिए। आप अच्छी तरह के जानते हैं जॉन कॉन्स्टेबल किससे संबंधित है, ये जॉन कॉन्स्टेबल भैया इंग्लिश रोमांटिक पेंटर है। जॉन कॉन्स्टेबल बादल वगैरह बढ़िया बनाते थे, पढ़ाया था मैंने आप सभी को। आगे देखिए, अब देख भैया पटना शैली में आ जाओ, कंपनी, कंपनी या पटना शैली में टिल्लीकेटर, टिल्लीकेटर से जोड़ा जाता है ना, तो डी होगा। बाकी आगे देख लीजिए, मुर्गे की लड़ाई, अरे भाई मुर्गा जहां लड़ा तहां कौन आ जाते हैं, हैबर साहब, मुर्गा लड़ा नहीं कि हैबर साहब तैयार हैं, तो के हैबर, मुर्गे की लड़ाई है ना। चलो आगे देखो, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, दूसरी कोई बुकलेट अप कराने का समय नहीं है बेटा, और भी विषय लगे हुए हैं हमारे यहां, ए सीरीज का आंसर करा रहा हूं, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान से, और जो भी सीरीज हो आप अपना कर लीजिएगा। चलो अभी कट ऑफ और सारी समस्याओं पर बात करेंगे, डटे रहिए, हिलिए नहीं आप लोग, और बस शेयर लाइक बढ़ाते रहिए बेटा। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना, लखनऊ में, लखनऊ में बना था। बस लाइक शेयर यार बढ़ाते रहो, मैं तो तुम लोगों के लिए इतना काम कर ही रहा हूं, है ना, थोड़ा आप लोग भी हमारे लिए भी कुछ करें, संस्था के लिए करें कुछ। तो देखिए, सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है, सनराइज इंप्रेशन क्लॉड मोने, क्लॉड मोने, स्पष्ट रूप से सीधे सीधे पढ़ाया हुआ है। यदि हमारा आपके पास लिंक वीडियो होगा तो श्योर आप देख लिए होंगे, कौन छूटा, जोगी मारा, अभी बड़ा आसान क्वेश्चन, जोगी मारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ देख लीजिए आगे। जी जी जी, आगे देखिए बेटा आप, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं था, जहांगीर के दरबार में कौन नहीं था, तो मंशूर, मनोहर, बिशनदास, हाँ बोलो जल्दी से, बसावन अकबरकालीन था, बसावन चित्रकार अकबरकालीन था। आगे बढ़िए, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित होने वाली कौन सी है, बादामी, बादामी की गुफाएं या वातापी की गुफाएं कृष्णा नदी के किनारे है, है ना, समझ में आ रहा, सित्तनवासल कावेरी के है, और ये चलिए बेटा मेघदूत चित्र श्रृंखला, मेघदूत चित्र नहीं चित्र श्रृंखला, तो हरिहर लाल मेढ बनाए, यूपी के प्रसिद्ध कलाकार हरिहर लाल मेढ, सीधे पढ़ाया हुआ प्रश्न फंसाया आप सभी डायरेक्ट, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग ये भी डायरेक्ट पढ़ाया हुआ है, दिए गए मेरे सीधे नोट्स का है, कार खंडाल वाला, सीधे सीधे प्रश्न है ये। आगे देखते जाए बेटा, अकबरनामा, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय जिसके लिए चित्रित किया गया, जिसमें बड़ा काम अबुल हसन ने किया, विदिचर, बिशनदास, अबुल हसन, इसको जरा सा यार एक सेकंड, इसमें जो है इसमें अगर आप देखिए अकबरनामा के लिए बिशनदास, विदिचर, इन सब ने किया, तो थोड़ा सा इस भी प्रश्न में ला करके
इसे भी आप डाउट की श्रेणी में डाल दीजिए क्योंकि दो दो नाम मिल रहे हैं। आगे चलिए, सब क्लियर हो जाएगा। अब भाई अभी तुरंत सब कुछ उसका नहीं मिल पाया है, लेकिन अधिकांश मिल। देखिए ए ब्रश विद लाइफ, ये ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये सतीश गुजराल की है। किसकी है ये? सतीश गुजराल की। आगे देखिए आति आति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? आति यथार्थवाद का घोषणा पत्र भैया एंड्रे बेट्रॉन ने लिखा था। एंड्रे बेट्रॉन ने लिखा था, जिसमें गलत लिख गया है, या सामान्य किताबें ऐसे लिखती है, एंड्रे ब्रेटॉन, है ना। तो ये हो जाएगा सी आंसर। आगे देखिए बेटा, भारत में मध्य पाषाण काल, देखिए अब ये जो प्रश्न है ये निकटतम लेके चलना होगा, आधुनिक कला की किताबों के अनुसार लेके चलना पड़ेगा आप सभी को, है ना बेटा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, और इसमें आप 4000 तक मध्य पाषाण काल माना जा सकता, क्योंकि पूछ रहा कहां तक माना जाता है, है ना, कहां से शुरू होता नहीं पूछ रहा, कहां तक माना जाता है, तो माना जाता है 4000। चलिए आगे देखिए, टेट मॉडर्न गैलरी ये लंदन में है। कहां है? लंदन में, टेट मॉडर्न गैलरी लंदन। आगे देखो, जो मैं डाउट हटा के करा दूं फिर उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है, ठीक भैया। बाकी हुलास लाल ये आपके कंपनी शैली के कलाकार हैं। आइए बादामी गुफा चित्रण की प्रतिकृतियां ललित कला एकेडमी के निमंत्रण पर कौन गए थे? जेएम अहिवासी, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी गए थे निमंत्रण पर, इन्होंने बनाया था। आगे देखो बेटा, बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई? ये राजा साहब हैं। कौन है? राजा, एसएच राजा। चलिए आगे देखिए, एसएच राजा है बिंदु श्रृंखला के। अब देखिए बाकी सित्तर मासल की गुफाएं, सित्तर मासल की अधिकांश गुफाएं जैन धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। आगे देखिए बेटा, देखो सीधे सीधे पढ़ाया सत्यजीत रे की फिल्म इनर आई किस पर है? विनोद बिहारी मुखर्जी पर। किस पर है? विनोद बिहारी मुखर्जी पर। चलो आगे देखो, देख भैया अब ये गीत गोविंद की जो शुरुआत मानी जाती है ये बसोहली शैली से मानी जाती है। गीत गोविंद की शुरुआत, क्योंकि समय दे दिया ना तो बसोहली ही लेके चलेंगे। आगे देखिए, देखिए बेटा महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ? फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद रज्मनामा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अजंता की किस गुफा संख्या में मरणासन राजकुमारी सीधे पढ़ाया हुआ प्रश्न है? गुफा संख्या 16। आगे देखिए बेटा, ललित कला एकेडमी नई दिल्ली की पत्रिका, इसमें आपके सीधे समकालीन कला हो जाएगा, ये बेहतर एंसर होगा। कहां यार, कौन पागल लड़का है भाई, अभी से कट ऑफ क्यों? अभी सब कोई ओपी यादव जी दिमाग कंट्रोल में करिए, पहले क्या करा रहा हूं उसको देखिए, एकदम यार तुम लोग हद कर देते हो। और जितने भी बच्चों कट ऑफ पर बात करनी है, अभी थोड़ी देर बाद कट ऑफ पर बात करेंगे, कट ऑफ पर बात थोड़ी देर बाद। चलिए आगे देखिए, मार विजय किसमें है? गुफा संख्या 1 में। मार विजय की चर्चा किसमें की गई है? गुफा संख्या 1, ठीक बेटा, मार विजय की चर्चा गुफा संख्या 1 में है, सीरीज ए चल रही है बेटा, गुफा संख्या
ए संथाल महिला यामिनी राय, यामिनी राय अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग करने वाली कलाकार भारती खेर। कौन है? भारती खेर। आगे देखिए भाई, ये तो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, भारत माता बंद माता सभी रटे होंगे, ये तो कोई कलाकार नहीं गलत करेगा। जितने भी कलाकार हैं हमारे, अवनींद्रनाथ टैगोर जी का है भारत माता चित्र। आगे देखिए, चक्राकार रेखाएं, चक्राकार रेखाएं क्या बताती हैं? गति, गति को दर्शाती हैं। आगे देखो भैया, विवान सुंदरम, विवान सुंदरम किस कॉलेज से पढ़े थे? देखिए दिए गए ऑप्शन में इनके कॉलेज तो कई हैं यार, लेकिन इनके दिए गए जो ऑप्शन हैं वो ललित कला संकाय बड़ौदा, बड़ौदा में भी पढ़े हैं। दिए गए ऑप्शन में ये ललित कला संकाय बड़ौदा आंसर लिया जाएगा। चलो आगे देखो, एम एफ हुसैन, अब देखिए इसका भी विवादित प्रश्न हो गया है ये भी। इसमें क्या है बेटा कि कुछ किताबें कैनवास दे रही, कुछ किताबें हस्तनिर्मित कागज दे रही है, तो भैया इसको डाउट छोड़ दो आए ऊपर, कुछ और क्लियर हो जाएगा तो हम बात करेंगे, ठीक है? चलिए ये छोड़ दीजिए इसको। आगे देखिए, अब देखिए ये भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक क्या है, किसने किया? ये आनंद वर्धन जी हैं जिन्होंने ध्वनि शास्त्र, ध्वनि सिद्धांत पर बात किया है आनंद ने, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? बोल दे बेटा। हाँ हाँ यार, पता नहीं कितने लोग। जी ध्यान दीजिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं मोबाइल पर। अभी भी ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था यार, 70 वाला। इसमें था किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव। हम जब किसी वस्तु को छूते हैं तो उसके छूने से जो अनुभव क्या होता है? अनुभव होता है कि वह हार्ड है या मुलायम है। तो ये टेक्सचर है, क्या है? टेक्सचर, वो तो यही तो होता है ना, कुछ का अनुभव होता। चलो देखो ध्यान से, इनमें से मुगल चित्रकारों ने, किस मुगल चित्रकार ने देवी देवताओं के चित्र बनाया? तो आप दसवंत है कहां, दसवंत जो आत्महत्या कर लिया था अकबर के समय का, यही है। जी जी जी, चलो चलो कोई बात नहीं यार, तुम लोग बहादुर बच्चों टेंशन कह ले रहे हो यार, दीपक मधेशिया आप लोग घबरा कह रहे हो मेरे लाल, है ना? तो सब चलता रहेगा, तुम लोग हमारे बहादुर बच्चे और सब सफल होकर आओगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चाहिए 10 बार पेपर आउट करा के आ जाए तो भी सफल हमारे बच्चे होंगे, इतना मैंने पढ़ाया, ठीक है? चलो आगे देखो, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार, माने चमकीले हथियारों के औजार, जैसे पॉलिश किए गए औजार, पॉलिश्ड वाले, ये नवपाषाण काल 100%। चलिए आगे देखिए, हाँ ये हो गया, देख डाले बेटा, नाइट कैफे किसकी पेंटिंग है? द नाइट कैफे किसकी पेंटिंग है? ध्यान से सुनो, बता रहा हूं, वान गॉग की। किसकी है ये? ठीक है, वान गॉग। चलिए बेटा ये वान गॉग है। चलो अब इस समय परेशान ना हो, रेखा आर्या लड़ो मत, छोड़ दो अब इस समय, जो हो चुका है देखो,
अभी जो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमन काम कर रहा, जो मुझे समझ में आ रहा वो मैं करा। हो सकता है कि मैं 100% ना सही हूं, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मेरा प्रयास 99.9% सही होगा, उसी पर मैं डिस्कस करूंगा। जी बेटा ये वोंगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये देखो ये आ गया, फिलिपो टोमोसो मैरिनेटी। कौन था? भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता, या धनवाद का, या फाववाद का, व्यक्तिवाद का? ये भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता था ये मैरिनेटी, मैरिनेटी। आगे देखिए बेटा, सैंड आर्टिस्ट माने बालू वाला कलाकार, बहुत विख्यात बंदा रहा है ये सुदर्शन पटनायक। ये तो करंट से जीके से भी जोड़ा जाता है, सुदर्शन पटनायक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ना घबराओ यार। चलो आगे देखो, सैंड आर्टिस्ट। अब देखो डीपी राय चौधरी, डीपी राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार और संस्थापक अध्यक्ष, नेशनल आर्ट गैलरी, मॉडर्न आर्ट गैलरी में संस्थापक अध्यक्ष थे। आगे देखो, कैलाश मंदिर किस गुफा में? रटा रटाया प्रश्न है, कैलाश मंदिर किस गुफा में? एलोरा की गुफा संख्या 16। कैलाश मंदिर किस गुफा में? एलोरा की है ना गुफा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस मेरे बच्चों। बस तुम ही लोग तो हमारी शान हो यार, आप सफलता पा जाओ, फिर सफल हो जाओ, फिर मुझे मजा आएगी। सबको यहाँ इनवाइट करूंगा, जो भी सफल होंगे हमारे बच्चे, और सबको पब्लिकली लेके आऊंगा, पेपर में सबको लेके आऊंगा यार, न्यूज़पेपर में निकलवाऊंगा जितने सफल बच्चे होंगे। चलो बेटा ये देखो, अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? आशित कुमार हल्दार, आशित कुमार हल्दार। गीत गोविंद के लेखक, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव भैया। रटा रटाया प्रश्न है, साहित्य से अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? चैत्य पूजा घर पढ़ाया था कि नहीं? चैत्य पूजा घर होता, चैत्य पूजा घर। चलो 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 आगे देख लेंगे यार क्या गलत है। अब देखो इसका भी आंसर नहीं मिला आपको, सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ये वाला 81 वाला, पिकासो का किस हमारी भारतीय डाक टिकट पर छपी, थोड़ा सा डाउट है ये, जिसको छोड़ दीजिए आप। चलो बेटा, ब्लैक पेजेस ये वाला तो सीधा पढ़ाया गया प्रश्न है, कराया गया भी है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ये देखो जो यूपी स्पेशल पढ़ा रहा था उसका है, ये रणवीर सिंह बिष्ट है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये रणवीर सिंह बिष्ट है 100%, कोई काट नहीं सकता। देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र में गैडे का आखेट करता शिकारी, गैडे का आखेट करता शिकारी इसमें कौन सा है? गैडे का आखेट करता, चल भैया तो ये पंचमढ़ी में भी मिल जाएगा आपको, कई जगह मिला, दिए गए ऑप्शन में पंचमढ़ी, ठीक है, दिए गए ऑप्शन में पंचमढ़ी। चलिए आप बाकी यार सारनाथ स्तंभ पे आ जाओ, चार पशु कौन से हैं? देखो गाय नहीं है, न ऊंट है ना, न हिरन है, तो बचा क्या? सी, वृषभ गज घोड़ा शेर, माने हाथी घोड़ा शेर बैल, यही है, ठीक है, सी आंसर। आगे देखिए भैया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, अभी क्या है, हाँ ये देखो, जॉर्ज ब्राक और पिकासो, ये दोनों कलाकार आपको जानते हैं किस कला आंदोलन से हैं, घनवादी हैं दोनों, क्या है? जॉर्ज ब्राक और पिकासो, ये दोनों के दोनों क्या है? घनवादी हैं। आगे देखिए, नौलखा मंदिर चालुक्यों ने बनवाया था,
नौलखा मंदिर चालुक्यों का है, राजपूत नहीं चालुक्य, ठीक है। हास्य व्यंग चित्रकार, हास्य व्यंग चित्रकार कौन है? देखो ध्यान से, ये गगनेंद्रनाथ जी हैं, हास्य व्यंग चित्रकार गगनेंद्रनाथ। हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण गगनेंद्रनाथ जी को माना जाता है बेटा। अब देखो इसमें कौन मूर्तिकार है, मूर्तिकार में मदनलाल नागर अच्छी स्थिति में है दिए गए ऑप्शन में। कामसूत्र का टीकाकार यशोधर, कामसूत्र का टीकाकार कौन है? यशोधर पंडित। कौन है? यशोधर पंडित। आइए अकबर कालीन तूती नामा में दृश्य चित्र कितने हैं? अकबर कालीन तूती नामा में 103 चित्र प्राप्त हुए हैं। बच्चों ने गलत दिया कि ये बड़ा निकटतम बेवकूफ बनाया था। पंचमढ़ी की गुफाएं अगर जोड़ी जाए तो पौराणिक काल में ये पांडवों से जोड़ी जाती है। किससे जोड़ी जाती है? पांडवों से। आगे देखिए, नर्मदा नदी के उद्गम के पास प्रसिद्ध चित्र गुफा बाघ, बाघ की गुफाएं हैं। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के पास प्रसिद्ध चित्र गुफा कौन सी है? बाघ की गुफाएं हैं। बेटा ये बताओ इतने लोग देख रहे हो 1200 लोग और लाइक कितना किए हो? 300। कहे भाई नाराज हो? अरे यार लाइक करा दो भाई, कर दो सारे लोग। अभी मेरिट पर लास्ट पे बात करूंगा यार, अभी मेरिट सारे लोग लाइक करो यार, इतने लोग देख रहे हो। चिल्लाते चिल्लाते तुम लोग गला सूख गया और तुम लोग लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो क्या भाई? क्या नाराजगी है? मेरिट अभी बात करता हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मेरिट अभी बात करता हूं, बस क्वेश्चन हो जाने दिए, मेरिट पर बात करता हूं जो हमारा कयास होगा। जिसने कर दिया उसकी बात नहीं कर रहा हूं यार, जो जो खड़े सिर्फ खड़े बैठे। हम उसकी बात नहीं कर रहे बेटा जिसने नहीं किया, उसकी बात कर। चलिए भैया चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए अब देखिए इसमें आइए भैया, नूरजहां वाला जो प्रश्न है यार, ये भी विवादों के घेरे में है ना, विवादों के घेरे में है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां कुछ जगह लखनऊ चिकनकारी जोड़ता है लेकिन कुछ जगह फुलकारी जोड़ रहा, हमें कुछ किताबें चिकनकारी की ओर दे रही, सारा स्पष्ट किसी ने नहीं लिखा कि नूरजहां कौन से तरीके में काम करती, कुछ जगह फुलकारी कुछ जगह चिकनकारी। कृष्णा नदी वही होगी बेटा, कृष्णा नदी बादामी, माने कर्नाटक में बादामी है वहां कृष्णा नदी है। चलो चलो, कला विमर्श पुस्तक के संपादक, कला विमर्श पुस्तक के संपादक अवधेश मिश्रा जी हैं। कौन है? अवधेश मिश्रा। आगे देखिए भैया, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा का बोरोबुदुर इंडोनेशिया, जावा द्वीप इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़िए, कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों के लिए जाना जाता है? स्टील मिक्स करके बनाने वाला बंदा कौन है? विवान सुंदरम का नाम इससे बढ़िया से लिया जाता है ना, इन चीजों का बहुत बढ़िया प्रयोग किया है इन्होंने। आगे देखिए, सावरी चित्र, सावरी बी एन आर्या का चित्र है जो प्रयाग राज संग्रहालय में रखा है, बद्रीनाथ आय, इन्हीं को शॉर्टकट में बी एन आर्या कहते हैं ना, बी एन आर्या, ये बद्रीनाथ आर डी। आई, कौन सा हिंदू मंदिर भारत में नहीं स्थित है? तो अंगोर वाट का, मोरिया अंगोर वाट का वैष्णो मंदिर, ध्यान दीजिए। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो से प्राप्त नित्यांगना की मूर्ति की लंबाई, बहुत बच्चे गलत किए हैं, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5
5 सेंटीमीटर चलो 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 आगे बढ़िए। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? ये तो खूब नाम सुने होंगे यार इनका, सुने तो नहीं, बाल ठाकरे आज नहीं रहे, बाल ठाकरे जी बहुत बड़े कार्टूनिस्ट भी थे, है ना। देखो इसमें कौन सा रंग इसमें द्वितीयक रंग समूह का नहीं है, माने प्राथमिक है, कौन सा प्राथमिक है इसमें? पीला, ये प्राथमिक कलर की श्री माता, माने ये द्वितीयक नहीं है, सब द्वितीयक बन सकते हैं मिलाकर, लेकिन पीला प्राथमिक रंगों की श्रेणी में है। चलो बेटा, इंद्रसभा कौन सी थी? एलोरा की 32वीं नंबर की गुफा, 32वीं नंबर की गुफा इंद्रसभा थी। चलिए 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 ध्यान दीजिए, फिर करेक्शन भी आ जाएगा, डोंट वरी मिस्टर आशुतोष शर्मा, घबराए नहीं, करेक्शन भी आ जाएगा, बहुत प्रेशर है इस समय क्वेश्चन कराने का, पेशेंस रखिए, इंसान हम लोग भी हैं, ह्यूमन एरर हो सकती है, ध्यान रखिए, परेशान ना होइए। क्या बात है, ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया बेटा माही श्रीवास्तव, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। चलिए आगे देखिए, 32 गुफा नंबर 32 को इंद्रसभा कहते हैं। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश छुपा है? जो सांची स्तूप है बेटा वो किसमें है? चलो बेटा ब्राह्मी लिपि में, चलिए आगे बढ़िए। आइए बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में है? जो चित्र मिले हैं अधिकांशतः बर्तनों पर मिले हैं, भित्तियों पर नहीं, अधिकांश चित्र किसमें मिले हैं? बर्तनों पर, है ना बेटा, बर्तनों पर। आगे देखिए, चलिए बेटा, शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो राजा रवि वर्मा का चित्र है भैया, ध्यान से देखिए। अब ये देखिए, माइकल एंजेलो की जो पेंटिंग है डेविड, इसका निर्माण 1502 से 4 के बीच में, 5 के बीच में हुआ है, तो लगभग ये निकटतम आंसर आ जाएगा। आगे देखिए बेटा, स्नानमग्न युवतियां, सही बात तो यह है कि प्रश्न गलत छपा, ऑप्शन इसमें गलत छपा है बेटा जी। बेटा चलिए कोई बात नहीं, चलने दीजिए, कोई बात नहीं यार, लोग सिखा देते हैं बेटा, चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो जानते हैं यार, मानवीय भूल है, हो सकती, करेक्शन भी आएगा बेटा, सारे करेक्शन कराऊंगा यदि जरूरत पड़ी, दो चार प्रश्नों में इधर उधर दिक्कतें हो सकती हैं तो हम करेक्शन करा देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 99% सही रहेगा बेटा, ध्यान रखिए। अब देखिए मैं आपको बताऊं, स्नानमग्न युवतियां, ये जो इसका सटीक आंसर है मैं आपको बताना चाहता हूं, वो रेनुवार है। क्या है इसका? रेनुवार, ये सही आंसर रेनुवार या रेनुवार होगा, बट ऑप्शन नहीं है तो निकटतम सेजा होगा, स्नान मग्न लोगों को इसने भी बनाया है, तो दिए गए ऑप्शन में ये होगा, सटीक आंसर तो रेनुवार होता,
स्नान मग्न युवतियां है ना, रेनब्रा नहीं हो, नो नो नो, ये रेनवार का है बेटा, रेनवार 100% श्योर, रेनवार की रचना है। आगे बढ़िए, रतन परिमु किस क्षेत्र में है, रतन परिमु किस क्षेत्र से संबंधित, नाटक कहानीकार कला समीक्षक क्या है, देखिए जल्दी से, ये कहानीकार है, ये कहानीकार है, कौन है ये भैया कहानीकार। आइए, ये भी प्रश्न बड़ा ही फंसाने वाला था, बाघ की पांचवी गुफा है ना, रंग कई कई किताबों में पाठशाला रंगशाला मिक्स रूप से कर देते हैं, जबकि ये वास्तविक रूप से पाठशाला है, पांचवी गुफा, चौथी गुफा रंगशाला है, ये पांचवी गुफा पूछ रहा है, जिसका आंसर पाठशाला हो जाएगा। आगे देखिए, मीराबाई का भित्ति चित्र किसने बनाया, मीराबाई का भित्ति चित्र किसने बनाया, इसका भी आंसर स्पष्ट नहीं है बेटा, इसका भी आंसर बोला रखिए, कराऊंगा मैं बाद में आकर, करेक्शन के नाम पर छोड़ दीजिए आप इसको। चलिए, डॉल, देखिए डॉल नामक शीर्षक की श्रृंखलाबद्ध चित्र निर्माण किसने किया, कई लोगों ने किया यह है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में विकास भट्टाचार्य। चलिए ध्यान दीजिए, 113 को भी आप गोले में रखेंगे, क्योंकि स्पष्ट आंसर इसका नहीं मिल पाया है स्पष्ट रूप से, है ना, हिरण्यम राय चौधरी होना चाहिए, लेकिन फिर हाल इसे आप डाउट में रखिए। चलिए आगे देखिए, बाकी ये तो यार पढ़ा गया प्रश्न है ना, कला के छह अंगों के बारे में चर्चा कहां हुई, कला के छह अंगों में है ना, जयमंगला की टीका में, मैंने कामसूत्र की टीका में इसकी बात होती है, स्पष्ट नहीं दिया है, ठीक है, चलिए चलो कोई बात नहीं, जयमंगला होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, और भी जगहों पे है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अनुसार ये जयमंगला ही बेहतर रहेगा। और देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ है, ये भैया निकटतम भागलपुर के पास है ना, भागलपुर की सीमा पर स्थित है, भागलपुर की सीमा पर, ठीक है, कुछ किताबें भोजपुर दिखाती हैं, लेकिन बेहतर आंसर इसका भागलपुर ही होगा। अभी देखिए बेटा, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, आप जानते ही हो शाहजहां का शासन काल है। आगे देखिए, मार्ग पत्रिका क्या संपादन किसने किया, स्थापित ही मुल्कराज आनंद ने किया था, किसने किया था, मुल्कराज आनंद ने। देखो बेटा, कला में संतुलन किससे आएगा, संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होता है वो कला में संतुलन लाता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा, ए आंसर ही इसका सबसे बेहतर जवाब होगा, है तो इसमें कई निकटतम, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर यही है, ठीक है। आइए बेटा, एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई, आसान प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी महाराष्ट्र में। आइए बेटा देखिए, अब ये भी प्रश्न आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, 120 ये कहीं कहीं टेराकोटा दिखता है, बैल की आकृतियां जो मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है, और जो मैंने मेसोपोटामिया से मोहरे आई हैं, तो ज्यादातर इसमें टेराकोटा भी है, लेकिन कुछ जगह ताम्र मोहर मैंने ब्रॉन्ज सील भी कहीं कहीं दिखी है, लेकिन अधिकतम इस पर आपका कॉन्सेंट्रेशन टेराकोटा पर होना चाहिए, है ना, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखिए बेटा, नेक चंद्र राव गॉर्डन ये चंडीगढ़ है, कहां है ये, चंडीगढ़, रॉक गार्डन। और देखिए,
लाजवर्ण, लापिस लाजुली आप जानते हो ईरानी है, तीव्र नीला है ना, तीव्र नीला भारतीय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन है, ध्यान से देखिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन है, इसमें देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हैं। कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये 1950 के आसपास ये संस्था स्थापित हुई थी जी। चल आगे देखिए, इसमें कौन मूर्तिकार नहीं है ये भी आपको गोले में डालना होगा, ये भी स्पष्ट नहीं है, ठीक है, सबरी राय चौधरी या इसमें मीरा मुखर्जी, इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, ये और ये है ना, इसको गोले में रखिए। और आज का आखिरी सवाल बेटा ये देखिए, पहाड़ी, पहाड़ी जो लघु चित्र शैली के चित्र हैं इन्हें राजपूतों का ही मूल माना जाता है, ये राजपूत शैली के ही अगले भाग होते हैं, ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं, राजपूत शैली के ही अगले भाग होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है जी 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 जी। सबसे पहले मौला ऐसा होता, हमने आप लोगों को सिखाया भी था, हमने आप लोगों को सिखाया भी था कि जिस पर पहले राउंड में दिमाग जाए वही आप लोग करिएगा सबसे पहले, तो कभी बदलने में दिक्कत होता, ठीक है, बिल्कुल राजपूत ही होगा। ठीक है बेटा, चलो चलो बिल्कुल मैं कट ऑफ पर बात करता हूं अब हमारे बच्चों, तो बड़ी मेहनत आपने की है, बहुत बढ़िया आपने मेहनत किया है, दर्शाया है, हमने जो बेटा आकलन किया इस पेपर को देखकर, हमने ये पाया है क्योंकि इंटरव्यू नहीं है और एक क्वेश्चन लगभग आपका जो है 4 नंबर से रिलेटेड है, तो हमें लगता है जनरल कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट जो 105 कर लिया, ये जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, वो सियोर है, वो सुरक्षित है, जनरल कैंडिडेट 105 वाला सियोर सुरक्षित है, ठीक है, 105 वाला सियोर सुरक्षित है। अब इसी से दो दो क्वेश्चन नीचे चले आइए, तीन तीन क्वेश्चन ओबीसी एससी एसटी में चले आइए आप, ये लगभग आप मान लीजिए 105 अगर किसी का है तो अभी से मिठाइयां उठाइयां बांट सकता है, खावा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 100 तक जनरल वाले 100 तक सोच सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वगैरह जिसका लगा थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए 105 जो है वो सुरक्षा कवच में है और वो मिठाई उठाई बांट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो खिला भी सकता, ठीक है। बालिका वर्ग तो काफी नीचे जाता है जी, 100 से नीचे रहेगी बालिका, बालिका 90 प्लस हो तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। अब बेटा बेटा जान लीजिए 90 के आसपास, आशुतोष शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद, चलो चलो जी बेटा कोशिश किया कुछ अच्छा, ये ध्यान दीजिए सारे जितने लोग देख रहे हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन जल्दबाजी में करने में हमसे भी मानवीय भूल हो गई हो, तो मैं उसको भूल सुधार के ना फिर आऊंगा, आप घबराइए नहीं, लेकिन पूरा प्रयास है कि 99% आपको सही दिया जाए, जिसके डाउट है उसको मैंने छोड़ दिया है, वैसे जितना बताया हूं उतने में सारा कल्याण हो जाएगा, आपको रिलैक्स हो जाए जी बेटा इंटरव्यू में, चलो 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 पढ़ाने का समय नहीं है, और सभी को जो भी 105 प्लस है या 100 प्लस है उनको पहले से ही सफलता की शुभकामनाएं हैं, आप देखिएगा रिजल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा, देखिए मैंने क्या कहा 100 प्लस वाले सफलता की तरफ काफी निकट रहेंगे, 105 वाला तो श्योर 100% सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुका है, वो अभी से मस्त रहे, लेकिन हाँ कंट्रोल में रहे। चलिए मुकेश गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, दीपक बदेदिया सिंह बहुत बहुत धन्यवाद,
आप जैसे बच्चों की वजह से तो हम अपना शान से दिल चौड़ा कर लेते हैं, शान से ही दिल चौड़ा कर लेते हैं कि हमारे बच्चे ये हैं जिन्होंने पूरी तरीके से जिन्होंने पूरी तरीके से हमको खुश कर दिया है और आप जैसे बच्चे सफलता हमें जरूर दिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विषय लगे हुए हैं बेटा, अगले विषय लगे हुए हमको भी सॉल्व कराना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलो थैंक यू वेरी मच। डाउट्स को लेकर जल्द ही मैंने जो भी डाउट्स हैं या जो भी हो सकता है कि बाई ह्यूमन एरर फॉल्ट हो गई होगी वो करेक्शन कराने में आ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच।